देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नजर आज के समाचार की ओर। कालका धर्मपुर स्थित लोजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता लोजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्वामी ने की। इस दौरान कृषि विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की व इसका स्वागत किया। संबोधन के दौरान आजाद स्वामी ने इसे भारत के कृषि इतिहास में एक बड़ा दिन बताते हुए इसे किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि यह कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। कहा कि हम इसके लिए सरकार का समर्थन करते हैं। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार MSP व्यवस्था और सरकारी खरीद जारी रहेगी और यह कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, जो कि गलत है। स्वामी ने कहा, यह भारत के कृषि क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व युग का प्रारंभ है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता कमल शर्मा ने कहा कि यह विधेयक किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा, इसलिए वह सरकार के कामों के अटकले लगाने के अवसर ढूंढते रहते हैं। इस अवसर पर लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह कैंथ, प्रदीप कौशिक, पंकज शर्मा, सुमित मेहरा सहित अन्य मौजूद रहे। आज की हमारी जो बैठक है लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा की हरियाणा प्रदेश द्वारा रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है कि हमारी सरकार केंद्रीय सरकार ने जो किसान हितेशी बिल लेकर आई है उसमें विपक्ष तरह तरह के इल्जाम लगा के गुमराह कर रहा है किसान भाइयों को। मैं किसान भाइयों का सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये विधेयक बहुत अच्छा है और उनके लिए MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। जो भी सरकार पहले भी खरीद रही तो आगे भी खरीदती रहेगी। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये सिर्फ हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी व केंद्र सरकार ने कदम उठाया। जो आज़ादी के 70 साल के बाद हमारी भाजपा सरकार ने NDA सरकार ने ये कदम उठाया, इसका मैं समर्थन करता हूँ। तमाम हमारे साथीगण समर्थन करते हैं, पूरी हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी इसका समर्थन करते हैं। और मैं तमाम किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप विपक्ष के बहकाव में बिल्कुल भी ना आए। ये जो पहले इलेक्शन हुआ उसके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बिल इसका जिक्र था और आज वो गुमराह करके हमारे किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। आप इनके बकाए में बिल्कुल ना आए। मेरे किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसका समर्थन करें और इसका इसका पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए कोरोना महाकाल में, तो इसे बीमारी से दूर रहते हुए आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखें।